अब हम करते हैं एक क्लास टेंथ का 15वां सवाल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें बोला क्या है देख लीजिए। एक सीधे राजमार्ग के मीनार के पाद तक, ठीक है। एक राजमार्ग मतलब रोड, रास्ता, ठीक है। तो क्या है, एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब उस कोई मीनार होगा, मतलब घर और मान लीजिए, ठीक है। तो उसके पाद मतलब उसके नज़दीक, उसके नीचे, ठीक है, पाद तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब मीनार के ऊपर कोई आदमी खड़ा है। एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण, मतलब दोस्तों अनुमान कोण में होता है, ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा तो अनुमान कोण होगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा उन्नयन कोण होगा। तो ऊपर से दोस्तों देख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है, मतलब कार जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों हमने चित्र पहले से बना लिया है, आपको समझाते हैं कैसे बना है। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा मीनार था, ठीक है, और यहाँ हमारी गाड़ी थी। तो जब दोस्तों यहाँ मान लीजिए कोई आदमी था, तो जब देखेगा दोस्तों आदमी नीचे की ओर देख रहा है ना, तो पहले यहाँ थीटा बनेगा, वहाँ से उस आदमी से कार का थीटा यहाँ बनेगा। अब आदमी सॉल्व करते समय हम 30 यहाँ आ जाएगा हमारा और 60 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों पहले देखा तो 60 था, अब फिर बाद में जब देखेगा तो 60 हो जाएगा, अब पहले जब देखेगा 30 हो जाएगा। अब क्या करें हम, तो दोस्तों हम पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, तो हमारा लंब हो जाएगा ए बी, ए बी हो गया, और आधार बी डी इज इक्वल टू टैन 60। तो दोस्तों हमारे पास तो है कुछ नहीं, मतलब किसी का मान है नहीं, तो कोई बात नहीं, जैसे करते जाते हैं। टैन 60 का मान होता है दोस्तों √3 होता है क्या, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी √3, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बी डी इज इक्वल टू, क्या कर लेते हैं, बी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी से करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। तो दोस्तों क्या करें हम, कि अब ये हो जाएगा ए बी, इसका लंब ए बी हो जाएगा, और आधार हो जाएगा बी डी, मतलब बी और सी, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, तो आधार पूरा बी सी होगा। इज इक्वल टू टेन 30 अंश हो जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा, ए बी हमारा है नहीं कुछ, ठीक है, उसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए। और क्या है बी सी, तो बी सी को हम बी डी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं, क्या बी डी प्लस सी डी, मतलब ये आधा और ये आधा दोनों को जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना बनेगा बी सी। तो क्या है, बी सी हमारा पूरा था, बी सी हमारा पूरा था, हम उसको आधा आधा लिखें, तो हम इतना लिख सकते हैं। तो टेन 30 मान होता है 1/√3। अब क्या है, बी डी इज इक्वल टू हमारे पास कुछ है, तो पहले इसको करते हैं त्रिया गुणा, उसके बाद देखते हैं। तो ए बी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 भी गुणा में आ जाएगा बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। अब रखते हैं मान हमारे पास कुछ है,
तो दोस्तों बी डी इजक्ल टू, देखिए बी डी ये हमारा है बी, बी डी इजक्ल टू ए बी अपॉन रूट थ्री है, तो यहाँ हम रख देंगे। तो क्या है हमारा ए बी रूट थ्री इजक्ल टू बी डी के स्थान पे है ए बी अपॉन रूट थ्री प्लस सी डी। तो हम क्या करेंगे, सी डी इजक्ल टू कर लेंगे, ए बी को अपने स्थान पे रखा रहने दीजिए, इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन रूट थ्री, क्या दोस्तों रूट थ्री। अब आइए हम लोग करते हैं इसको, क्या है दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें ए बी कॉमन लेना पड़ेगा जो कि दोनों तरफ है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा बचा रूट थ्री, यहाँ माइनस यहाँ दोस्तों एक कर देंगे, आइए अपॉन रूट थ्री इसका है। अब क्या करें, सी डी इजक्ल टू ए बी, अब दोस्तों हम यहाँ रूट थ्री से रूट थ्री गुणा करेंगे, थ्री बचेगा, थ्री में से एक घट जाएगा तो दो अपॉन रूट थ्री बचेगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा टू ए बी अपॉन रूट थ्री। तो ये दोस्तों हमारा आ चुका है चाल, दोनों का आ चुका है हमारा चाल। तो हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों समय ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या था, जब हमारा गाड़ी यहाँ था क्या सी पर, सी बिंदु पर, और इसको जब यहाँ सी से डी तक ले जाएगा तो हमारा कितना था टाइम दिया था, हमारा 6 सेकेंड, कितना दिया था टाइम 6 सेकेंड, ठीक है। इतना टाइम दिया है हमारे पास, इतना टाइम दिया है। तो दोस्तों सी डी से, मतलब सी से डी तक आने में 6 सेकंड लगा है, तो हमें इसकी टाइम ज्ञात करना है, ठीक है, और इसका चाल ज्ञात करेंगे। तो आइए करते हैं सॉल्व पहले। तो दोस्तों जो हमारा अभी सी डी आया है वो तो हमारा दूरी है, क्या है हमारा दूरी। तो यहाँ लिखेंगे सी डी इक्वल टू हमारा आया है कितना आया है दोस्तों, टू ए बी अपॉन रूट थ्री, टू ए बी अपॉन रूट थ्री आया है, ये तो दूरी है हमारा दूरी, ठीक है। तय करने, मतलब इतनी दूरी तय करने में कार द्वारा, मतलब कार द्वारा लिया गया समय कितना समय लगा था दोस्तों, 6 सेकेंड लगा था, ठीक है 6 सेकेंड। तो अब क्या करेंगे हम, तो ये हमारा समय दिया है और दूरी दिया है, तो हम क्या करेंगे चाल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कार की चाल बराबर दूरी बटे समय कर देंगे तो हमारा चाल आ जाएगा, ये ला है। तो चाल के लिए हमें दूरी हमने निकाला था टू ए बी अपॉन रूट थ्री, और दोस्तों समय हमारा अभी 6 था, ठीक है। अब मान लीजिए इसके नीचे 1 है तो ये त्रिज्या का गोला हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार आएगा टू ए बी 6 रूट 3, तो 2 से काटेंगे अब बचेगा हमारा 3। तो चाल हमारी आ चुकी है दोस्तों ए बी अपॉन 3 रूट 3, तो ये कार की चाल है। तो हमें अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, चाल निकाल लिया हमने, तो अब हमें डी से बी तक के में लगा समय ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं ज्ञात, क्या है हमारा डी बी बोलिए या फिर बी डी। तो यहाँ हमें फिर से लिखना पड़ेगा बी डी, ये दोस्तों समझाने के लिए लिखा जाता है ऐसे बस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बी डी की चाल, मतलब जो दूरी थी हमारा कितना था ए बी अपॉन रूट थ्री। अभी हमने देखिए निकाला है ना, ये देखिए बी डी इजक्ल टू ए बी अपॉन रूट थ्री, ये हमारी उसकी चाल हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे अब, ये तो हमारा दूरी है, तय करने में
कार द्वारा लिया गया समय, तो हमें पहले क्या करना, समय ज्ञात करना है, ठीक है। समय दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा दूरी हमारा इसका है ए बी अपॉन रूट थ्री अपॉन चाल, हमारा अभी कितना निकालें दोस्तों, ए बी अपॉन थ्री रूट थ्री, ए बी अपॉन थ्री रूट थ्री। अब इसको करेंगे तो थ्री रूट थ्री हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी रूट थ्री, ये हो जाएगा हमारे इतना। अब दोस्तों काट दीजिए, ए बी से ए बी कट जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, तो समय हमारा इसका आ जाएगा कितना, समय हमारा 3 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो होगा कि सी से डी तक जाने में, मतलब मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लगा समय 3 सेकेंड हो जाएगा, यहाँ 3 सेकेंड हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और समझ में ना आया हो दोस्तों तो कमेंट कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।